चंबलगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे डांस वांस करेंगे रिसोर्ट में। हम लोग है ना अभी हॉन्टेड यात्रा पे जा रहे हैं, पूरी हमारी ट्रेन बनी हुई पीछे, ठीक है। बैक टू द चैनल गाइस, हम लोग जा रहे हैं कुंभलगढ़। सुबह के बज रहे हैं 5:28, हम लोग 6:15 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और एक कॉमन डेस्टिनेशन पे जाके ट्रेवलर से फैमिली के साथ हम लोग आगे जाएंगे। बच्चों के साथ जाना आसान होता है, लेकिन ज्यादातर हमारे बड़ी एज वाले, मतलब समझ जाओ। हम लोग एक जगह रुके राजसमंद से पहले, यहाँ से 130 किलोमीटर है अभी करीब कुंभलगढ़। ये पीछे से ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, ये सुसु पॉटी और ये सब। It's pretty cool that I'm living at better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. तो मन हो रहा है क्योंकि कल रात से सोया नहीं हूँ, सोच रहा हूँ या तो सो जाऊँ या स्विमिंग पूल में जाऊँ या फिर थोड़ा बहुत जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, देखते हैं जो भी होता है। Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just get. Pesh karte hain aapke liye hamara Ranveer Singh. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. बहुत मस्त मस्त भूत वाली वाइब आती है रात को, पूरा किला जैसा एरिया है, आसपास जंगल है, पीछे नदी है। वो भी और बड़ी बात है, भूतों की तो बड़ी बात हो सकता है, बाकी ऐसी चीज़ें होती नहीं है। अभी रात के बज रहे हैं 11:25 और हमारे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। हम लोग यहाँ पे रूम में बैठे हैं, पूरा सब कुछ खाली है और ये जगह थोड़ी सी हॉन्टेड है। यहाँ पे श्री देवी की हमारे जस्ट रूम के सामने श्री देवी की मूर्ति है और पूरे कॉरिडोर खाली है। हम जैसे ही श्री देवी के बारे में बात कर रहे थे लाइट जा रही थी, फिर वापस लाइट आ गई, फिर हमने महाराणा कुंभा के बारे में बात करी, फिर लाइट चली गई। सामने हमारे बिल्कुल श्री देवी की तस्वीर लगी हुई है, वो काफ़ी डरावनी लग रही है रात के टाइम। पहले हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा नोटिस किया होता हम ये कमरा नहीं लेते। लेकिन अब देखो रात को हम ऐसे ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना एड्रेनल रश के लिए थोड़ी यात्रा करके आते हैं। कमरा बंद करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज्यादातर जो लोगों की फोटो लगी हुई है वो यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी है। ये क्या है? ये भी एक्सपायर हो चुकी है? जिंदा है? अच्छा ठीक है। कौन सा? हम लोग आ चुके हैं लॉबी में, ठीक है। तो अब हम लोग खेलेंगे ये कैरम, हॉन्टेड कैरम। लाइट मारिए जरा, ये ऐसा नहीं लग रहा ओजा बोर्ड जैसा, उईजी बोर्ड जैसा। अब हम लोग यहाँ पे आपको बुलाएंगे। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। 2000 years later
वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 25th और सुबह के बज रहे हैं 8:13 और ये देखो ये शाम को बैठी हुई है आराम से, ये अभी सो के उठी है। रात को उसने मुझे रूम में चेंज कर दिया, हालत ख़राब कर दी इसने और खुद भी डर गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग कुछ ज़्यादा ही डर गए थे और अपन थोड़े क्या ब्रेव है। तो अभी हम जाएंगे पहले फ्रेश होने, मिलते हैं। वैसे अब हम लोग निकलने वाले हैं होटल से थोड़ा आसपास घूमने के लिए। यहाँ पे कुछ मंदिर हैं और कुछ व्यू पॉइंट्स हैं वो देखने जाएंगे। यहाँ पे कोई एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़े साइज की फिश होती है, ऐसा बोलते हैं बहुत बड़े साइज की, तो अब देखते हैं किस साइज की। बाय बाय बाय। बाय बाय करके जाना है कैमरे के अंदर, ठीक है? आप सब चलो अंदर, अब बहुत भाई हो रहा है। लास्ट बाय। ये पिंक पिंक बाय नहीं है, पिंक पॉइंट आया है। यहाँ पे सारे चमगादड़ है, ये देखो चमगादड़ पॉइंट है। हम तो मछलियाँ देखने आए थे लेकिन हमको चमगादड़ भी दिख गए खूब सारे। ये कौवा भी है चमगादड़ों में। ये है फिश पॉइंट। ये हमने जैसलमेर गए थे तो उसमें गड़ीसर था, वहाँ पे बहुत सारी कैट फिश थी, मुझे लगता है वही होना चाहिए। करंदा क्या है, जामुन है? करंदा क्या है? करंदा नहीं, एक आदमी क्या ले गया यार, कितना ले? ये है यहाँ के छोटे छोटे आम, क्या बोलते हैं इसको बेटा? आम। कई मीठे भी हैं। अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हम लोग जस्ट रणकपुर से निकले हैं। ये लोग सब जो रणकपुर में अंदर मंदिर टेंपल वगैरह देख के आए थे, मैं अंदर नहीं, कैमरा भी अलाउड नहीं है। कुछ छोटे बच्चों को भी रोक दिया था तो सबका मूड ऐसा हो गया कि यार अब नहीं जाना। आधे जने गए आधे नहीं गए, मैं तो वैसे ही मेरा प्लान था कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा। हम लोग अब जा रहे हैं कुंभलगढ़। इतनी बड़ा खराब था रोकने का, जो उनका सिस्टम था ना रोकने का समझ में नहीं आया भाई, जो लॉजिक दे रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं कुंभलगढ़। तो अभी ये जो आपने जगह देखी थी यज्ञ वेदी, यहाँ पे यज्ञ हुआ था फाइट से पहले जो। फिलहाल हम लोग द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पे चढ़ रहे हैं। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद। तो अब हम लोग वहाँ जाएंगे किले पे, इधर से नीचे जाके वहाँ कैंटीन है, वहाँ से फिर ऊपर। तो ये जो पर्टिकुलर मंदिर है, इसमें 3 पीछे मंदिर है और यहाँ बीच में एक खाली सी जगह है जिसमें हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचाई थी, वो देख ही ली होगी आपने वो जगह। उस जगह पे पर्टिकुलरली इसलिए बनाई गई थी ये जगह ताकि ये लोग पशुओं की बलि दे सके। और ये पूरा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से दुकान है, यहाँ पे लोग आके बैठते होंगे, कुछ तो ऐसा होता होगा। कुंभलगढ़ के कंस्ट्रक्शन के टाइम काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी पर उसके लिए एक ह्यूमन सेक्रीफाइस किया और जिस जगह वो ह्यूमन सेक्रीफाइस हुआ था वो फोर्ट के गेट के अंदर एंटर होते ही राइट साइड में एक टेम्पल है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। चाइना के बाद सबसे बड़ी वॉल कुंभलगढ़ की है। दिस माइटी फोर्ट इज 38 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3600 किलोमीटर टॉल। ये फोर्ट 15th सेंचुरी में बना था और इसमें बहुत सारी वॉर्स हुई थी। वो अनब्रेकेबल है, इसके 7 दरवाजे हैं एंटर करने के। महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ था। इसमें हिंदुस्तान के सबसे पुराने मंदिरों में से कुछ मंदिर मौजूद हैं। यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज पालना रेलवे स्टेशन। इस फोर्ट में एक गणेश जी का मंदिर है, वो सबसे पहले बनाया गया था किले में। उसके बाद नीलकंठ महादेव जी का मंदिर बनाया गया था जिसमें शिवलिंग को रिनोवेट कराया था महाराणा सांगा जी ने। 9 to 6 इसका टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक और 20-25 रुपए का टिकट होता है, 25 रुपए का कैमरा का टिकट और ड्रोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस किले की दीवारें 15 फुट चौड़ी है, गर्मियों में आने की गलती मत करना है यहाँ पे जुलाई तक, उसके बाद आप आ सकते हैं बैंड तक। यहाँ सीजन रहता है बढ़िया, मौसम ठंडा रहता है। पहले यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो हुआ करता था जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता था टूरिस्ट के लिए, जो कि अभी बंद कर दिया है कोरोना के बाद।
तो ये जो जगह है ये महाराणा प्रताप की जन्म स्थान है और इसको लॉक किया हुआ है फिलहाल। तो ये जगह है यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हम लोग यहाँ से आए और यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, इतनी धूप में आए हम लोग, बट चलता है, बाहर से देख लिया वही बहुत है। अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में ये कुछ स्टोर तरीके का बना रखा है। आई गेस ये आर्टिलरी स्टोर है। ये जो मंदिर है इसमें पिछले 700 साल से अखंड जोत जल रही है। और अगर यहाँ पे कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी हुई है इस चीज़ से। ये महाराणा कुंभा का महल था। ढूंढ लिया आखिरकार आपको? मैं इतनी देर से यहाँ पे अकेली बैठी हूँ, ऊपर काफ़ी लोग गए हैं। अब आप मेरे साथ हो ना? चलो चलो, आपका बैग। यहाँ पे जितनी भी खंडित मूर्तियाँ थी उस टाइम की, मुगलों ने तोड़ी थी, उसका वैल्यूएशन हो रहा है। छोटे छोटे पार्ट्स निकाल रहे हैं, उनका मेजरमेंट कर रहे हैं। आ गए हैं हमारे रिजॉर्ट में, पूरा कुंभलगढ़ घूम लिया। काफ़ी लोग तो बीच में ही आ गए थे जीप करके। जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा था वो सबसे पहले परेशान हुआ और जल्दी आ गया। 2000 years later। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 6:15 और अब हम लोग जीप में सफारी करने वाले हैं, काइंड ऑफ। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे जंगलों में इधर उधर। There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change. पूरी ट्रेल चालू हो चुकी है, एकदम ऑफ-रोडिंग वाली, थोड़ी ज़्यादा। I think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night. जोर तरीके से ऐसे पकड़ने की यहाँ के ऊपर, नहीं तो यू विल बी फ्लाइंग आउट जस्ट लाइक अ ईगल। यू विल फाइंड सम प्लेस नियर दिस गड्ढा वड्डा टाइप एंड नोबडी विल गोइंग टू फाइंड यू देयर। और यहाँ पे भालू भी बहुत है। वो एक छोटी सी गुफा है यहाँ पे 9 किलोमीटर लंबी। यहाँ पे परशुराम जी ने तपस्या की थी शिव जी की। वो मंदिर है जहाँ पे करण ने शिव जी से शिक्षा प्राप्त की थी और बनास नदी का उद्गम स्थल है वीरों का मठ महादेव। Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. ये था कल्पवृक्ष मंदिर जो कि कुंभलगढ़ में हमारा सेकंड स्पॉट रहा आज मॉर्निंग का। पहला तो एक व्यू पॉइंट था जो कि मुझे खासा कुछ अच्छा नहीं लगा। दूसरा एक कल्पवृक्ष मंदिर, ये काफ़ी प्राचीन है और यहीं से इस मंदिर से थोड़ा सा आगे जाके परशुराम जी का भी मंदिर है। वो अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग को यहाँ से निकलना है, रिसॉर्ट से हमारी गाड़ी निकल जाएगी क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए 1 से 2 घंटे चाहिए। थोड़ा सा ट्रैक है, सीढ़ियाँ हैं और नीचे जाना पड़ता है। बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले आते तो हम वो कवर कर सकते थे। जो फॉरेस्ट ट्रेल है इस पर ज़रूर आना, बहुत ग्रीन है और स्पेशली बारिश के बाद आपको कुछ अलग ही व्यू मिलेगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है और एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप लोग यहाँ पे आओ तो जो भी ये लोग व्यू पॉइंट बताते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर करोगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। हम लोग निकल चुके हैं रिजॉर्ट से और अब हम लोग जा रहे हैं एक लिंग जी टेम्पल, देखते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन रहती है। वैसे तो संडे है, वीकेंड है। बाकी की कंप्लीट स्टोरी, जो भी कंप्लीट उसकी डिटेल है बायो, वो बताएंगे ये मेरे मामा, क्योंकि इनको प्रॉपरली पता है इसके बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है अगर आप उदयपुर घूमने आ रहे हो तो, इसलिए इसके बारे में जानकारी देना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में राजपूतों के शासक पप्पा रावल ने की थी। कहते हैं कि बीच में इस मंदिर को मुगलों ने और अन्य आतताइयों ने काफ़ी इसको नुकसान पहुँचाया, फिर 15वीं शताब्दी में इसका वापस जीर्णोद्धार हुआ
और मेवाड़ के और राजपूतों के आराध्य देव के रूप में एक लिंग जी की प्रतिष्ठा है। जब भी राजपूत योद्धा स्पेशली मेवाड़ के महाराणा युद्ध में जाते थे तो वह पहले एक लिंग जी के दर्शन करके जाते थे। ये भी कहा जाता है कि एक लिंग जी के प्रतिनिधि के रूप में ही मेवाड़ के जितने भी महाराणा हैं उन्होंने शासन किया। मतलब उनका मतलब ये था कि एक लिंग जी मेवाड़ की गद्दी के राजा हैं और वो उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे राज कर रहे हैं। और वो गर्भगृह वाली स्तुति, हाँ, इस मंदिर में ये चार प्रमुख हैं इस प्रतिमा के, जिसमें पूर्व में जो मुख है वो सूर्य देव को दर्शाता है, पश्चिम में ब्रह्मा जी की मूर्ति के रूप में है, उत्तर में विष्णु भगवान की है और दक्षिण में स्वयं भगवान रुद्र महादेव की प्रतिमा है। बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा है और मेरा ये मानना है कि जब भी मौका मिले किसी भी व्यक्ति को जो मेवाड़ में या उदयपुर में आए इस भगवान की जो दर्शन है वो जरूर करें। हर ग्रह में इसमें ऐसा मान्यता है कि सिर्फ जो विशेष पुजारी हैं वो या मेवाड़ के जो महाराणा हैं या उनके वंशज हैं वो ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। Every day, late at night, not okay, all I want, and I pray.